अब बात करते हैं न्याय संबंधी शक्तियों के बारे में। देखिए, भारतीय संसद को न्याय संबंधी महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त हैं। संसद राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर उसे उसके पद से हटा सकती है। संसद बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों, महालेखा परीक्षक आदि को दुराचार आदि के अपराध में पद से अलग करने के लिए राष्ट्रपति से प्रार्थना कर सकती है। अब बात करते हैं संविधान में संशोधन की शक्तियों के बारे में। जो कि संसद है उसको प्राप्त है संविधान में संशोधन की शक्तियाँ। अगर पूछ लिया जाए कि संविधान में संशोधन कौन कर सकता है, तो वो कर सकती है संसद। याद रखिएगा, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद को संविधान में संशोधन संबंधी शक्तियाँ प्राप्त, जो कि मैंने बता दिया आपको। संविधान के अनुसार संसद में संविधान संशोधन का प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। देखिए, कोई भी संविधान संशोधन होगा तो वह जो प्रस्ताव आएगा वो संसद में ही प्रस्तावित किया जा सकता है, किसी राज्य के विधानमंडल में नहीं। ये भी याद रखिएगा, संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग प्रस्ताव पास करके संविधान में संशोधन किया जाता है, और संविधान के अधिकांश भागों में अकेले संसद के द्वारा ही या सामान्य बहुमत से या फिर पृथक पृथक दोनों सदनों के दो तिहाई बहुमत से संविधान संशोधन किया जाता है। संविधान की केवल एक ही व्यवस्था ऐसी है जिसमें संशोधन के लिए भारतीय संघ के आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुमोदन आवश्यक होता है। अब बात करते हैं निर्वाचन संबंधी शक्तियों के बारे में। अनुच्छेद 54 के द्वारा संविधान को कुछ निर्वाचन संबंधी शक्तियां प्राप्त की गई हैं। और पूछ लिया जाए कि किस अनुच्छेद के द्वारा संसद को निर्वाचन संबंधी शक्तियां प्रदान की गई हैं, तो आप बताएंगे 54वें। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल के अंग हैं। अनुच्छेद 66 के अनुसार संसद सदस्य दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। पूछ लिया जाए कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके संयुक्त अधिवेशन में किया जाता है, तो आप कहेंगे संसद सदस्य दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में, और किस अनुच्छेद में 66। बात करें संसद की अन्य शक्तियों के बारे में, तो राष्ट्रपति द्वारा घोषित राष्ट्रपति द्वारा घोषित जो संकटकालीन घोषणा को एक निश्चित अवधि से अधिक समय तक लागू करने के लिए संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक होती है। 44वें संविधान संशोधन के अनुसार यह अवधि एक माह है। ठीक, एक माह है। संसद सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश, महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकती है। अंत में कहें कि संसद सार्वजनिक विवाद स्थल का कार्य करती है। संसद सार्वजनिक विवाद स्थल का कार्य करती है। इस दृष्टि से संसद जो है लोकप्रिय भावना के दर्पण तथा शिक्षक के रूप में कार्य करती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन लोकप्रिय भावना के दर्पण तथा शिक्षक के रूप में कार्य करती है, तो आप कहेंगे संसद। यहाँ पर संसद का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में हमने जाना इस वीडियो में, और संसद की जो शक्तियाँ होती हैं इनके बारे में जाना। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।